बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईस्कर स्कूल सिस्टम ग्रुप की यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोशल स्टडी ऑफ क्लास 3 एंड लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेसन 2 स्टार्ट किया हुआ है, आवर सोसाइटी, हमारा मुआशरा। स्टूडेंट्स, इस लेसन का हमने कुछ हिस्सा पढ़ा था पिछले 5th लेक्चर में, और आज हम अपने नंबर 6 लेक्चर में इसका बकाया हिस्सा पढ़ेंगे। हमारा ये जो आज का टॉपिक है, शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि साफ पानी की किल्लत। स्टूडेंट्स, आइए अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते और समझने की कोशिश कीजिए। समटाइम्स पीपल हैव टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस टू गेट क्लीन वाटर। बाज़ औक़ात लोगों को साफ पानी हासिल करने के लिए दूर दराज मुकाम पर जाना पड़ता है। स्पेशली रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान फेस दिस प्रॉब्लम। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दही इलाके इस मसले का सामना करते हैं। ड्यू टू अ लैक ऑफ अवेयरनेस, पीपल ड्रिंक डर्टी वाटर एंड गेट सिक। शऊर की कमी की वजह से लोग गंदा पानी पीकर बीमार हो जाते हैं। वी कैन वर्क टुगेदर टू एजुकेट अवर पीपल टू ड्रिंक क्लीन वाटर। हम अपने लोगों को तालीम दे सकते हैं कि साफ़ पानी पिया जाए या उबाल के फ़िल्टर वाला। Why do we face shortage of clean water? हम साफ पानी की किल्लत का सामना क्यों करते हैं? Students, ये समझने वाला सवाल है। We waste water while cleaning, cooking and drinking. हम खाना पकाते हुए, सफाई करते हुए और पीते हुए पानी ज़ाया करते हैं। जैसे कि हम लोग घर में जैसे खाना खाते हैं, उस वक्त कुछ पानी पिया, कुछ फेंक दिया, हार दिया, सफाई की उस वक्त भी बहुत ज़्यादा, थोड़े पानी की जगह पे हमने ज़्यादा पानी यूज़ किया, उसमें कुछ ज़ाया हो गया। उसी तरीके से जैसे हम पीते हैं, आधा पिया आधा गिरा दिया, तो इट मीन्स कि ये हम लोग अपना पानी का नुकसान करते हैं, पानी ज़ाया करते हैं। ड्यू टू अ लैक ऑफ रेनफॉल, पीपल फेस स्कर्सिटी ऑफ वाटर। बारिशों में कमी की वजह से लोग पानी की किल्लत का सामना करते हैं। वेस्ट मटीरियल्स एंड सेवेज गेट मिक्सड विद क्लीन वाटर एंड एज अ रिजल्ट वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। कूड़ा क्रिकेट और निकासी आपका पानी साफ पानी के साथ मिल जाता है, जिसके नतीजे में पानी आलूदा हो जाता है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, मोर वाटर इज नाउ नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। लोगों की तादाद में इजाफे की वजह से अब पानी पीने, धोने, खाना पकाने और सफाई के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, हमारा इसके बाद जो टॉपिक है वो भी इसी पानी के हवाले से ही है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये सवाल जो हैं आपको समझने हैं, और हमें अपने घरों में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि पानी हम ज़ाया ना करें, पानी की कदर करें, एहसास करें कि पानी कितना कीमती है। साफ़ पानी और ख़राब पानी में क्या फ़र्क होता है, यह सब मैं आपको पीछे भी समझा के आई हूँ, अभी आज इस लेक्चर में भी हम समझ रहे हैं। द वेस्ट वी कैन सेव वाटर, वो तरीके जिनसे हम पानी बचा सकते हैं। वी शुड नॉट कीप द टैप रनिंग व्हेन नॉट इन यूज़। वी शुड आल्सो यूज़ वाटर वीजली वाइल वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग। जब हम पानी इस्तेमाल ना कर रहे हों तो हमें नलका बंद कर देना चाहिए। बाय इम्प्रूविंग द सेवेज सिस्टम वी कैन गेट क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। निकासी आपको बेहतर बनाकर हम पीने वाला साफ पानी हासिल कर सकते हैं। द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी शुड वर्क टुगेदर टू ब्रिंग क्लीन वाटर टू एरियाज दैट डिड नॉट हैव इट। हुकूमत को इन इलाकों में और मुआशरे को इन इलाकों में साफ पानी लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जहाँ ना हो। वी शुड बी पार्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट एम टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर। हमें उन तंजीमों का हिस्सा बनना चाहिए जिनका मकसद कुदरती वसाइल बशमोल पानी को महफूज रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कैन वी थिंक ऑफ एनी अदर वे टू गेट क्लीन वाटर। क्या आप साफ पानी हासिल करने का कोई दूसरा तरीका सोच सकते हैं? स्टूडेंट्स, आप में से कोई सोच सकता है? यकीनन आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे जवाब होंगे, फिर भी हम पढ़ते हैं आगे। सेवेज पासेस थ्रू मैनी ट्रीटमेंट स्टेजेस एंड फाइनली
filtered water is released into rivers and seas. नकासियाँ बहुत से ट्रीटमेंट के मरहलों में से गुजरता है और आखिरकार साफ़ किया हुआ पानी दरियाओं और समंदरों में छोड़ दिया जाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है. इस लेक्चर के बाद इसी लेसन का एक छोटा सा रिकैप है, छोटा सा खुलासा है. सारे पूरे लेसन का एक निचोड़ छोटा सा मैं निकाल के आपको सब बता रही हूँ. इसी बुक में आपके में लिखा हुआ है, पीपल इन अ सोसाइटी वर्क टुगेदर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ वन अनदर. एक मुआशरे के लोग एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काम मिलकर करते हैं. एंड इनसफिशेंट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड ट्रेन टीचर्स, अ पुअर सेवेज सिस्टम एंड वेस्ट शॉर्टेजेस आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस वाइल लिविंग इन अ कम्युनिटी. स्कूलों और तरबियत याफ्ता असातज़ा की नाकाफ़ी तादाद, कमज़ोरी, नकासी आपका निज़ाम और पानी की किल्लत लोगों के बुनियादी मसाइल हैं जो मुआशरे में रहने वाले लोग सामना करते हैं. पीपल कैन वर्क टुगेदर टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स. लोग इन मसाइल पर काबू पाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, डू यू नो, क्या आप जानते हो, वी मस्ट कीप अवर नाइबरहुड्स नेट एंड क्लीन. हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को ज़रूर साफ सुथरा रखना चाहिए. टू डू दिस वी कैन फॉलो दिस 3RM प्रिंसिपल्स, आई रिड्यूस रियूज रिसाइकल. ऐसा करने के लिए 3R हम उसूल की पैरवी कर सकते हैं, जैसा कि कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना और दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना. डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर था. आपके लिए इस लेक्चर में से असाइनमेंट है कि इस लेसन को 5 times आपने अपने घर में पढ़ना है, 2 times अपनी रफ कॉपी में इसको लिखना है. लिखने से आपकी हैंडराइटिंग भी बेहतर होगी. और स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम इस लेसन की एक्सरसाइज हल करेंगे. उस एक्सरसाइज को हम फिर फेयर कॉपी पे भी करेंगे. जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर करें, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. हम फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.